सुल्तान राही को नहीं जानते किसी पत्थर के नीचे से निकले, सुल्तान राही वाज द रियल मौला जट। आमीन। आप सब भी सब्सक्राइब करें, क्या कर रहे हैं? मजाक जो नाम है वो गूंगे चाय वाले के नाम से मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली, वेलकम टू स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आज जी मेरे साथ ताहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं और ताहा जा रहे हैं जी अफ्तारी करने लक्ष्मी चौक पे। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, एज ऑलवेज 5:30 हम इधर ही हो गए हैं और 6:20 पे आज टाइम है जी अफ्तारी का। इधर से हम आपको बट के समोसे दिखाएंगे, बट के समोसे दिखाएंगे, लक्ष्मी चौक दिखाएंगे, दयाल सिंह कॉलेज, निस्बत रोड, आसपास की चीज़ें। और जो रात की हमारी जगह होगी वो एक जगह है गूंगा चाय वाला, हकू चाय वाला, रात को वहाँ से चाय पिएंगे। अभी हम लोग आपको लक्ष्मी चौक जाके मिलते हैं। यही ताहर में पहुँच गए हैं हम लोग, लक्ष्मी चौक पहुँच गए। लक्ष्मी चौक में जो सारे 5-6 बट हैं ना, उनके साथ भी जो गली है बट स्वीट्स वाली, उसके अंदर खड़े हुए हैं। और अभी हम लोग समोसा लेने बट भी जा रहे हैं। अभी हम लोग पर्ची बनवाने के लिए जा रहे हैं काउंटर पर, ताही बनवाएगा, मैं नहीं घुसता ऐसी जगहों के अंदर। हाँ हेलो करो। हेलो, दो कचोरी, दो आलू वाले समोसे। ये सामान हमने ले लिया, ये सारा रश असल में इसलिए कि अफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब है हमारे। ओए खजूरें पकड़, खजूरें पकड़, खजूरें पकड़। वो सामान, वो सामान, वो सामान। हमारे पास ना खजूरें नहीं थी असल में, तो हमने कहा कि रोज़ा किससे खोलना है। खुलते वैसे किसी को जाता है, लेकिन जो सुन्नत है वो रोज़ा खजूर से खोलना है। जब तक कहा खजूरें लेते हैं तो इधर एक बड़ी मेन चीज़ है, वो है जी दयाल सिंह कॉलेज। दयाल सिंह कॉलेज भी लाहौर की हिस्ट्री में एक बड़ी अहम एक कॉलेज है। इसमें जो नोटेबल एलुमन आए हैं, उसमें सबसे बड़ी जो नाम मेरे ख्याल में वो मुनीर नियाज़ी साहब है। मुनीर नियाज़ी जो शायर थे जी, 1910 के अंदर बना था ये। बेसिकली कॉलेज है तो इसके अंदर जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जो इंटरमीडिएट लेवल होता है वो भी है, और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जो 4 साल की डिग्रीज होती हैं, वो भी ऑफर की जाती हैं। और ये निस्बत रोड के ऊपर है, निस्बत रोड के ऊपर और इसकी एक लाइब्रेरी है। आगे जाके समय रश बहुत ज़्यादा है, तो हम आगे नहीं जा सकेंगे यहाँ से, क्योंकि हमने बाइक इधर बिल्कुल पास पार्क की हुई है। अभी इसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ बाहर लक्ष्मी चौक पे। लक्ष्मी चौक का नाम लक्ष्मी चौक क्यों है वो मैं आपको लक्ष्मी चौक जाके बताता हूँ। ये जी अभी आप जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये इसको लक्ष्मी चौक बोलते हैं, और ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है इसकी वजह से इसका नाम लक्ष्मी चौक है। कहा जाता है कि पुराने टाइम के अंदर ऑलमोस्ट 1935, जहाँ तक मैंने रिसर्च इसके बारे में की है, 1935 के अंदर इस बिल्डिंग के ऊपर जो जो सनातन धर्म है, जो हिंदुइज़्म है, उसके अंदर एक देवी होती है लक्ष्मी देवी, उनकी मूर्ति हुआ करती थी, बड़ी खूबसूरत कहते हैं यहाँ पे लगती थी। तो जब पार्टीशन हुई थी 1947 के अंदर, तो जब ये इवन के जब ये शादी को भी साथ उन्होंने जला दिया था, कुछ हो गया था, अभी हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी, तो इस बिल्डिंग को भी इन्होंने ऊपर से मूर्ति को हटा दिया था। इस बिल्डिंग के अंदर कुछ थिएटर्स भी रहे हुए हैं, ऑफिसज भी रहे हुए हैं। इसका जो आर्किटेक्चर है वो इंतहाई खूबसूरत है, जैसे अभी आप वीडियो में भी देख रहे होंगे। इसका ख्याल नहीं रखा गया तो इसकी ये हालत है। मेरी मैं ड्रोन नहीं लेकर आया, वरना मैं ऊपर से इसका ड्रोन शॉट भी ज़रूर लेता, क्योंकि मुझे है कि इसके अंदर क्या है। क्योंकि पहले एक दफ़ा यहाँ पे मैं कहा के साथ बट पे आए थे, मेरे पीछे ये बट है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सिर्फ 5 से 6 बट है, लेकिन जो लक्ष्मी चौक की कॉर्नर के बिल्कुल सामने वाला बट है वो असल बट है, जो लोगों का इत्तेफाक है इसके ऊपर। खैर, मैं और ताहा एक दफ़ा यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे, और जब हम लोग खाना खाने आए थे तो अंदर पार्किंग बन गई हुई थी। तो अब मुझे पता नहीं अंदर क्या है, कि सामने एक स्ट्रक्चर से एक ढांचा सा बना हुआ है, और अभी पास जाके देखते हैं, अगर हमें अंदर जाने दिया तो फिर आपको अंदर से दिखाते हैं। लक्ष्मी चौक का जो मज़ा ना वो रात के टाइम आने की, क्योंकि ये लाहौर की आप कह लें कि नई फूड स्ट्रीट बन गई हुई है, और इधर हर तरह का खाना है। फास्ट फूड नहीं है, लेकिन बाकी का ये जो सारी कढ़ाइयाँ, दुम्बा, हलीम वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तबाक, तबाक में मशहूर चीज़ है इसका देसी चरगा। वो आज हमारा कुछ भी खाने का ऐसा प्लान नहीं है, कि आज आपको पता है रोज़े के बाद कुछ भी खाने का मूड नहीं होता। वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक वीडियो करेंगे, तबाक का चरगा खाएंगे और लक्ष्मी चौक रात के टाइम पे दिखाएंगे। अभी लक्ष्मी बिल्डिंग के पास जाते हैं। बहुत पता है इसके बारे में, वो ये भी है कि इधर ऑफिसेज होते थे फिल्मों के, मतलब जहाँ पे आप प्रोडक्शन हाउसेज कह लें, यहाँ पे जो डायरेक्टर्स वगैरह होते थे उनके ऑफिसेज हुआ करते थे यहाँ पे। खासतौर पर जो सुल्तान राही साहब है, सुल्तान राही की फिल्मों का भी मुझे अपनी भाई ने भी बताया कि सुल्तान राही साहब के, वो लोग सुल्तान राही को नहीं जानते किसी पत्थर के नीचे से निकले, सुल्तान राही वाज द रियल मौला जट। जो पुरानी मौला जट, जो असल मौला जट फिल्म है, उसमें जो हीरो थे वो सुल्तान राही साहब थे। हेलो, सलमा सिया जरा नाम है, इसको अगर सुनो कोई फिर एक कैपरी सी, फिर एक नाजदगीना है, फिर मोलडा सलम है, इधर चले जो गुलस्तान, ओडियन, ठीक है, शबस्तान, तो सलमिया की मार्केट सी, तो फिल्मों के दफ्तर से था कैम ने दफ्तर, ये भी उधर के सैलमे जड़े ने उस 5 कैम ने, बाकी जड़े ने एक मकसद है कि गुलस्तान है जो बंद पे है, अगे जो रतन है वो चल, अपना दूसरा जो स्नूपर है या कैपीटल गुलस्तान, वो सारे चलते ने पे, कुछ जड़े ने वह बैफल हाल बन गए ने, कुछ जड़े ने वो मकसद है कि
बिल्डिंगा बन गई कोई प्लाजे बन गए। हाँ जी इस तरह ही बड़ा पुराने फिल्मों के दफ्तर ने रैल पार्क इन कहा जाता है। सैड से भी फिल्मों के दफ्तर सन भी फिल्मों के दफ्तर सन ये पुरानी रैल पार्क ये वाला रैल पार्क है अंदर सारा ही। अच्छा। इसके अंदर भी सारे पुराने फिल्मों के दफ्तर थे अब सारे प्रेस हैं खुशहाल जिन्हें सैलमेन सारे जिड़े ने थिएटर हाल बन गया है। इधर एक और बड़ी मजे की जगह उसका नाम है रॉयल पार्क। रॉयल पार्क भी लाहौर की हिस्ट्री में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन आज उसका हम लोग रिव्यू नहीं करेंगे। इसमें मसला ये है कि मेरा ना गला सूख रहा है। सुबह मेरी आज रूटीन ये है कि मैं रात को शाह के बाद सो जाता हूँ, मैं सहरी के टाइम उठता हूँ, फिर मैं पूरा दिन नहीं सोता। और यूनिवर्सिटी थी सुबह और मेरा गला फुल टाइम इस टाइम सूखा है, ऊँचा बोलना पड़े, यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी आप देख भी रहे हो रोड्स पर रश बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पर। बस अभी 20 मिनट अभी और रहते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह रोज़ा खोलते हैं। पहले दुआ मांग या अल्लाह रोज़ों के आखिर तक हमें 1,00,000 सब्सक्राइबर से दा फरमा। चलो यार 10,000 सब्सक्राइबर से दा फरमा या अल्लाह, हमें पूरी दुनिया घूमने फिरने की तौफीक दा फरमा या अल्लाह, हमारे शेड्स ऑफ पाकिस्तान को बहुत तरक्की दा फरमा। आमीन आमीन। आप सब भी सब्सक्राइब करें। क्या कर रहे हैं? बारिश में हूँ। मैं ये सोच रहा था, बोलने लगा था, मैंने कहा कि सोचते नहीं जाता। रोज़ा खोल, रोज़ा खोल। बोल नहीं याद है। यही आखिर का रोज़ा खुल चुका है और हम लोग आपको समोसा खाने लगे हैं। बहुत मेरा तो बड़ा खुशी रोज़ा था आज का। समोसा दोनों चटनी हमने डाल ली हैं, अब हम लोग अपना समोसा खा के देखते हैं। शदीद भूख लगी हुई है। वाह, पूरे दिन के रोजे के बाद ऐसी चीज़ मिल जाए तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। कहते हैं फ्राइड आइटम ना खाओ, पकौड़ा ना खाओ, समोसा ना खाओ, तो फिर खाएं क्या? अब हम लोग इनकी कचौरी खा के देखते हैं। ये मैंने पहले नहीं खाई भी। ओए होए उस्ताद साहब, ये जी हमारी इफ्तारी पूरी हो गई है। जो मेन चीज़ हमारे पास है ही पानी, अब हम पानी लेने जा रहे हैं, फिर आपको मैं जो सिनेमा से वहाँ से मिलता हूँ। जिस रो अभी हम लोग जा रहे हैं ये सिनेमा वगैरह की तरफ, टॉपर में हमने कैमरा डाल लिया है क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। ये जो रोड अभी आप देख रहे हैं उसको निस्बत रोड कहते हैं। सीधा जाके बिल्कुल जो है ना ये ग्वाल मंडी आती है। अभी हम यहाँ से चौक से सीधा जाके एबट रोड आएगी, एबट रोड पर सिनेमाज हम वो दिखाते हैं। तीन सिनेमाज देख रहे हैं ये, एक इनमें से गुलिस्तान सिनेमा है, एक ओडियन सिनेमा है और एक मेट्रोपोल सिनेमा है। ये सब एक ही रोड पर एबट रोड के ऊपर। और जैसे अभी आपने पिछले अंकल की एक वीडियो देखी थी प्यास साहब की, उन्होंने जैसे बताया था कि ये सिनेमा का बाजार हुआ करता था। और आप ऐसे में सारे खस्ता हाल हैं, यानी बड़ी हद लगती हैं, तो जो पुरानी पंजाबी फिल्में हैं या जीवन की रिसेंट बनती हैं वो लगती हैं। और एक और सिनेमा आ गया, ये शबिस्तान सिनेमा है। शबिस्तान सिनेमा से अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स हाकू चाय वाला और वहाँ से जाके हम लोग चाय पियेंगे। और एक और सिनेमा इधर आ गया है, इसका मुझे नाम नहीं पता, मेरे पीछे आप लोग देख लें, इसका नाम नहीं पता। ये दुनिया न्यूज़ का इधर ऑफिस है। इधर जो एक मेजर चीज़ है इस रोड के ऊपर वो है जी पाकिस्तान टेलीविज़न का जो फर्स्ट ऑफिस था वो इस रोड के ऊपर है। वो भी आपको दिखाता हूँ, भी आता था जी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये पाकिस्तान टेलीविज़न का फर्स्ट ऑफिस जो PTV है उसके फर्स्ट ऑफिस था। और ये अभी हम लोग शिमला पहाड़ी से होते हुए टेंपल रोड से आपको मिलते हैं। हम लोग गुमके चाय वाले पे आ गए हैं, ये टेंपल रोड के ऊपर है। टेंपल रोड को टेंपल रोड क्यों बोलते हैं? इधर आगे एक गुरुद्वारा है, वो मैं अभी आगे जाके दिखाता हूँ आपको। इसकी जो हिस्ट्री, इसका जो नाम है वो गुमके चाय वाले के नाम से मशहूर है। इस टाइम तो नहीं बैठे हुए, वरना ये रात को 10 बजे के बाद, रमज़ान में 10 बजे के बाद भाई ने बताया आते हैं यहाँ पे। गुमके बैठते हैं जो लोग बोल नहीं सकते, और ज़ाहिर है वो जो बोल नहीं सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते वो लोग, और वो एक्शंस के अंदर बातें करते हैं। वैसे इसका नाम याकूब चाय वाला है। हाकू चाय वाला भी मशहूर है लेकिन अब जो मशहूर लगे वो गुंगे चाय वाले के नाम से है। इस शॉप की मज़े की बात ये है कि ये 24 आवर्स खुली होती है और इसका जो चाय होती है ना वो ग्लास में देते हैं, ये कप में नहीं देते। और एक और चीज़ बड़ी मशहूर है इसकी, ये इसका मीठा बन है जो तहा ने खाना, तहा चाय नहीं पीता, चाह मीठा मीठा बन बस खाता है इधर आके। किन्नी ने भाई है टेम्पल रोड जो है ये बेसिकली एक फूड स्ट्रीट बन गई हुई है। यहाँ पे हीरा चरगा बड़ा मशहूर है, उसके बाद अंडे वाले बर्गर की जो रेडियाँ वो बड़ी मशहूर हैं इधर, उसके बाद दही भल्ले चाट वगैरह।
चाय ख़त्म करते हैं और चाय ख़त्म करके आपको हम लोग फिर आगे से गुरुद्वारा दिखाते हैं, जिसकी वजह से इस रोड का नाम टेम्पल रोड है। कि जी हमारी जो लास्ट स्पॉट है, मैंने आपको बेसिकली बताना था कि टेम्पल रोड को टेम्पल रोड क्यों बोलते हैं। मेरे पीछे आप लोग टेम्पल देख सकते हैं, इसका नाम है छठी बादशाही, जो बेसिकली सिख रिलीजन के जो सिक्स गुरु थे हरि गोबिंद साहब, वो यहाँ पर आके यूजुअली ओकेजनली रहा करते थे, और इसकी वजह से ये फिर टेम्पल बनाया गया था और यहाँ पे उनकी कुछ अरसे के लिए यहाँ पे रिहाइश भी रही हुई है। अभी इस टेम्पल की जो है रेनोवेशन वगैरह हो रही है, और इधर हम लोग बस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।